अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कतर में दोस्तों होम क्वारंटीन स्टार्ट हो चुका है और कतर में 2 दिन का होटल क्वारंटीन भी स्टार्ट हो चुका है। तो वो किन दोस्तों के लिए स्टार्ट किया गया है और उसकी फ़िलहाल अभी रेट क्या चल रही है और कैबिनेट में दोस्तों कल की जो मीटिंग हुई उसमें कैबिनेट के द्वारा क्या क्या बोला गया है, किस किस चीज़ में अप्रूवल दिया गया, दोस्तों इस वीडियो में सारा डिटेल आपको बताऊंगा। तो वीडियो मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको कतर की हर एक जानकारी दोस्तों आपको फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग दोस्तों मन में यह सवाल होगा कि भाई मैंने तो 10 दिनों का होटल क्वारंटीन या मैकेनिक क्वारंटीन मैंने बुक कर लिया है, तो क्या हम लोगों का पैसा अब रिफंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब 2 दिन का क्वारंटीन स्टार्ट हो चुका है और मैंने कोविशील्ड का दोनों डोज वैक्सीन ले चुका है जो कि कतर का MOPH के तरफ से अप्रूव्ड किया हुआ वैक्सीन है, तो मेरा क्या पैसा वापस होगा या नहीं होगा, और अभी जो रेट चल रही है, अभी यदि हम लोग होटल बुकिंग करना चाहते हैं 2 दिन के लिए तो हम लोग का कितना देना पड़ेगा होटल क्वारंटीन के लिए और मैकेनिक क्वारंटीन के लिए। तो साथियों, बताना चाहूँगा आपको कि यदि आपने होटल का बुकिंग कर लिया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी दोस्तों ज़रूरत नहीं है। जब आपने किया है तो आपका पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा। अब रिफंड कैसे होगा, यदि दोस्तों वहाँ पर आप कतर जाते हो तो कतर जाने के बाद आपको वहाँ पे 2 दिन का होटल क्वारंटीन जब आपको वहाँ रखा जाएगा, रखने के बाद वहाँ पे आपको 2 दिनों के बाद आपको PCR जांच जब किया जाएगा, जब आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आपका जो 8 दिन का बचा हुआ पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा जो ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिस बैंक अकाउंट से आपने पैसा कटवाया होगा उसी अकाउंट में आपका पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों, यदि आपका पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको वहाँ पर क्वारंटीन जो है वो पूरा 10 दिनों का रहना पड़ेगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, अब कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि भाई 2 दिनों का अभी होटल क्वारंटीन और मैकेनिस्ट क्वारंटीन का अभी क्या रेट चल रहा है। तो साथियों, बताना चाहूँगा, यदि आप होटल क्वारंटीन की 2 दिन की बुकिंग कराते हो तो लगभग मान के चलिए आपको 1200 रियाल आपको देना पड़ेगा, और यदि आप मैकेनिस्ट क्वारंटीन कराते हो दोस्तों मान के चलिए 500 कतर रियाल आपको लगभग देना पड़ेगा। तो ये होटल क्वारंटीन का अलग है और मैकेनिस्ट क्वारंटीन का अलग है। और वैसे दोस्तों, यदि आप डिस्कवर कतर ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो आपको अलग अलग तरह का होटल, अलग अलग तरह रेट वाले होटल आपको मिल जाएगा, तो जैसा होटल में आप बुकिंग करवाना चाहते हो वैसा बुकिंग करवा सकते हो। फिलहाल दोस्तों अभी होटल वगैरह बुकिंग हो रहा है, खाली बहुत जगह आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं किसका अभी फिलहाल अभी किसके किस देश के लिए इसे ओपन किया गया है 2 दिन क्वारंटीन के लिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ अभी इंडिया के लिए है, बाकी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लिए अभी स्टार्ट नहीं किया गया। तो यदि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग आप हैं तो आप लोगों को दोस्तों इसका मौका भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया के लिए ये स्टार्ट किया गया है। अब दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कैबिनेट जो कि आ रही है। दोस्तों जो फोटो आपको देखने को मिल रहा है, जो बूढ़ा शख्स है दोस्तों, ये यही वही वो शख्स था जो कि 2016 के आसपास में इन्होंने हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाकर दोस्तों उसे मजाक उड़ाने का कोशिश किया था। तो दोस्तों, अच्छी खबर इसमें यह है कि इसका दो से तीन दिन पहले इसका रोड एक्सीडेंट में इसका मौत हो चुका है, जो कि इसके साथ में 2 पुलिसकर्मी जो थे उसका भी मौत हो गया है और इसका भी मौत हो चुका है। तो दोस्तों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने मजाक उड़ाया था कार्टून को बनाकर। अब दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। साल तो अगली खबर जो आ रही दोस्तों, ये 6 अक्टूबर 2021 यानी कल की अपडेट है, कैबिनेट मीटिंग हुई। तो दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग के दौरान दोस्तों कुछ चीज़ों में यहाँ पे कंफर्मेशन दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि मैं पूरी पढ़ के बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और पढ़ के आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक करके मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि आपको दोस्तों इस पर कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं पूरी डिटेल में शाम की वीडियो में पूरी पढ़कर बता दूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर।